जो पत्थर मेरी जान महफिल ही लुट जाएगी। दोस्तों, पठान के ब्लॉकबस्टर होने के बाद भक्तों की दीदी कंगना रनौत ने शाहरुख खान को मुस्लिम एक्टर कहा तो उर्फी जावेद ने कंगना रनौत को आईना दिखा दिया। दरअसल दोस्तों, पठान की अपार सफलता पर कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा, इसे देश में सभी खान को प्यार दिया है, कई बार तो सिर्फ खान को ही प्यार दिया है। मुस्लिम एक्टर्स के लिए जबरदस्त जुनून दिख रहा है, इसीलिए इंडिया में तानाशाही और नफरत की बात करना सही नहीं है। भारत जैसा कोई देश दुनिया में नहीं है। दोस्तों, कंगना रनौत ने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार्स को मुस्लिम स्टार कहा तो उर्फी जावेद ने उन्हें जवाब देते हुए कह दिया, ओ माय गॉड, ऐसा बंटवारा क्यों? मुस्लिम एक्टर्स और हिंदू एक्टर्स क्या होता है? कला का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होता, एक्टर सिर्फ एक्टर होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं। उर्फी जावेद ने बॉलीवुड में हिंदू मुस्लिम करने पर कंगना रनौत को आईना दिखाया तो कंगना रनौत ने इसे कॉमन सिविल कोड से जोड़ दिया। कंगना ने उर्फी जावेद को जवाब देते हुए कहा, माय डियर उर्फी, ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा। जब हमारा देश संविधान के आधार पर ही डिवाइड है तो डिवाइड ही रहेगा। आओ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी से 2024 के मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड को शामिल करने की मांग करें। क्या ऐसा करेंगे? दोस्तों, यानी कि कंगना रनौत बॉलीवुड में हिंदू मुसलमान पर जवाब नहीं दे पाई तो उर्फी जावेद को कॉमन सिविल कोड का पाठ पढ़ाने लगी। कंगना रनौत के मुताबिक अगर सलमान खान या शाहरुख खान मुस्लिम स्टार हैं तो फिर अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन हिंदू स्टार हैं। आप दोस्तों कंगना रनौत के इस बेतुके बयान पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।